अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खैरियत से रखे जी। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे मेकअप कलेक्शन, थोड़ी सी है जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे भी ख़वातीन को मेकअप, कपड़े, जूते, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। इनमें से कुछ चीज़ें शायद मैंने आपको पहले दिखाई हैं, तो मैं अपने जो मतलब थोड़ी बहुत कम है मेरी मेकअप कलेक्शन, वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो मेकअप का तो मुझे मतलब जैसे सबको ही शौक होता है, मुझे भी बचपन से ही, कह लें कि जब से होश संभाली है, मेकअप की चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन तकरीबन आज से 2 साल पहले की बात है कि मैंने यूट्यूब नया नया देखना है। उससे पहले मैंने कभी इतना यूट्यूब देखा नहीं था, कभी इतना इस्तेमाल नहीं किया था। एक दिन मैंने ऐसे ही देखना शुरू किया, तो उसमें आसमा हसीब की एक वीडियो थी मेडोरा लिपस्टिक्स पे, और मैंने बस वो लिपस्टिक्स देखना शुरू की और बार बार उनको रिपीट करना, फिर उनको देखना, फिर उनके नंबर नोट करना। कि आप यकीन करेंगे, मुझे तकरीबन 1 month तो लिपस्टिक्स का दौरा पड़ा रहा कि जहाँ से बस वो लिपस्टिक्स मिली और वो इकट्ठी कर ली, ये मतलब जो कलर्स उन्होंने बताए। और उसके बाद फिर इसी तरह निशुहान की भी मेडोरा लिपस्टिक्स पे एक वीडियो थी, और एक दो और थी जुवेरिया सारे। इस तरह से मैंने उनकी सबकी वीडियोस देख देख के और कलेक्शन जमा की, और फिर इसी तरह वन बाय वन वो मेरे से मिसप्लेस होती रही। तो अब मेरे पास थोड़ी सी चीज़ें हैं, कुछ मेरी सिस्टर ने बाहर से लाई हैं, कुछ मुझे गिफ्ट्स मिले हैं, कुछ मेरी नंद ने मुझे दिए हैं। तो इस तरह से मैं जो मेरी जो कंप्लीट फ़िलहाल जो मेरी कंप्लीट मेकअप कलेक्शन है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये वीडियो जो है वो जो मुझे शौक पैदा हुआ, जैसे ये ग्लैमरस फेस का आप देख रहे होंगे आई शेड पैलेट है, ये भी मुझे शौक पैदा हुआ था बहुत ज़्यादा। ये निशुहान की वीडियो देख के, कि उन्होंने इस पर रिव्यू किया हुआ था, और उसके अलावा ज़ैनब नुमान ने भी ग्लैमरस फेस पे। और जब मुझे मैंने उन सब का ये देखा इस पे रिव्यू, तो फिर मुझे एक जुनून सवार हो गया कि मैंने ये पैलेट लेना है ये वाला। और फिर मैंने इसकी तलाश शुरू कर दी, हर जो लोकल मार्केट है वहाँ से पता किया, मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी। तकरीबन हर दूसरे दिन, तीसरे दिन जब मुझे टाइम मिलता था, तो मैं बस भांजे को लेके बाज़ार चली जाती थी कि बस मुझे ये ग्लैमरस फेस का आई शेड पैलेट ढूंढना ही ढूंढना है। फिर आखिरकार एक दिन कमर्शियल से मुझे ये मिल गया, वो भी रात 12, तकरीबन 11-12 बजे, शॉप सारी बंद हो रही थी। तो एक थके हारे हम आखिर एक दुकान पे पहुंचे, तो वहाँ पे उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जी हाँ है हमारे पास, और फिर मेरी जान में जान आई। तो ये सारे, ये आई शेड पैलेट और ये मेकअप कलेक्शन जो है, ये मैं डेडिकेट करती हूँ फिर ये वीडियो जो है निशुहान, ज़ैनब नुबान और आसमा हसीब को, जिन्होंने मेरे अंदर ये शौक और मज़ीद बढ़ा दिया। और फिर मैंने चीज़ें जमा करनी शुरू कर दी। फिर खैर मैंने तकरीबन 3-4 माह मुझे बेहद जुनून सवार रहा, और उसके बाद फिर काम आहिस्ता आहिस्ता फिर से काम होता गया। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको ग्लैमरस फेस का आई शेड पैलेट ही दिखाती हूँ, जो कुछ इस तरह से है। इसके अंदर 68 आई थिंक है कलर, और इसमें 48 है। 48 जो है वो मेटालिक है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा ये, और बहुत ही शिमरी है, शिमरी और पिगमेंटेड है। और ये इस तरह से 48 जो है वो मेटालिक कलर है, और 48 जो है वो ये ट्रांजिशन शेड है। और मेटालिक शेड में कुछ कलर्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ही पिगमेंटेड हैं, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, एक ज़रा से स्वेच से ये इतना अच्छा कलर देते हैं और वह शिमर देते हैं, कि आप अगर वो मतलब ब्रश के साथ लगाएंगे तो इतने अच्छे पिगमेंटेशन नहीं आती जितनी आप फिंगर के साथ लगाएं, तो एक ही ज़रा से स्वेच से इतना अच्छा ये शेड देते हैं। इसी तरह ही मैं आपको एक दो कलर और स्वेच करके दिखाती हूँ। ये देखें कि ज़रा से टच करने से इतना अच्छा इसका कलर आता है। तो इसी तरह ही ये हैं दूसरे ट्रांजिशन शेड्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा टच करके लगाएं और इतने अच्छे इसके पिगमेंटेशन है। तो ये वाकई जिस तरह से निशुहान ने कहा था कि ये बहुत पिगमेंटेड है, और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके पास ये वाले आई शेड पैलेट हों तो आपके लिए इनफ हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप ये वाला एक पैलेट ले लेते हैं, और इसमें ऑलमोस्ट सारे ही कलर जो यूज़ के होते हैं पार्टी वेयर लोग, वैसे मतलब नॉर्मल जब आप बाहर निकलते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं ये सारे शेड्स, और सारे यूज़ेबल हैं पार्टी वेयर के लिए भी और वैसे भी। तो
मैं मतलब वर्थ बाइंग है और बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये फाउंडेशंस, लिक्विड फाउंडेशंस। ये लॉरियल पेरिस का है, आइडियल बैलेंस और SPF 10। ये भी बहुत अच्छा है, मतलब मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए आई थिंक ये तीसरी या चौथी ट्यूब है, लेकिन ये इतना ग्लोई फेस हो जाता है इसके साथ के मतलब आपको ऊपर नीचे अगर आपने कुछ मॉइस्चराइज किया है या नहीं किया, थोड़ी देर आपके लगाने के थोड़ी देर के बाद इतना शाइनी सा आपका फेस हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और अक्सर मैं ये जो है लोरियल के साथ ये वाली जे डॉट की नोट वाली यूज मिक्स करके लगाती हूँ, तो भी बहुत अच्छा शेड आता है और आपका फेस बिल्कुल एक इवन फेस होता है और फ्लॉलेस होता है। और इसका शेड ये है SPF 15 ल्यूमिनस मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन, और इन दोनों को अगर आप मिक्स करके भी लगाते हैं तो बिल्कुल आपके एक इवन टोन आती है और बड़ा अच्छा सा शेड आता है और बहुत ग्लोई सी स्किन हो जाती है। तो इन दोनों को भी मैं यूज़ करके लगाती हूँ। और इसके अलावा ये रिमल की है मेरे पास लास्टिंग फिनिश 25 और SPF 20, ये भी बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको ये मैट फिनिश में है और ये भी बहुत अच्छी फ्लॉलेस बेस आपको देता है, और इसके ऊपर जब आप हाइलाइटर वगैरह लगाते हैं तो भी ये बहुत अच्छा है। और इसकी पैकेजिंग जो है ये वो कांच की है और ये भी बहुत अच्छा है, आपको एक फ्लॉलेस स्किन टोन देता है। इसके अलावा मेरे पास ये मनीसो से मैंने लिए हैं नेल पॉलिश, फैशन एक्सपर्ट, लेकिन ये है कि मैंने इससे पहले मिनीसो का कोई मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया था, लेकिन ये मैं लेके आई हूँ 1 वीक पहले, और ये थोड़ी सूखी सूखी सी है, जब लगती है तो आपके मतलब वो एक स्मूथ सा टेक्सचर नहीं देती, थोड़ा सूखा सूखा सा वो जो होता है ना ब्रश के साथ लगती है। तो ये मुझे ऑफ पे मिली है 200 की, लेकिन ये कोई इतनी अच्छी नहीं है, कलर बहुत अच्छा है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, लेकिन नेल पॉलिश शायद उन्होंने ऑफ में जो चीज़ें लगाई थी वो पुरानी थी, ये थोड़ा सूखा सूखा सा इसका टेक्सचर है, कलर बहुत प्यारा है। इसके अलावा ये भी ऐसे ही है, ये भी मैंने मिनीसो से लिया, ऑफ पे लिया है, लेकिन इसके साथ भी यही हाल है कि ये मतलब एक स्मूथ सा टेक्सचर नहीं है इसका, तो इसके अंदर आप कुछ स्प्रिट वगैरह कुछ इस तरह के कोई ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे ताकि ये एक स्मूथ सा ये थी टेक्सचर। मेरी छोटी सी जो है मेकअप कलेक्शन, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।